जा नहीं पाए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, हम थोड़े आलस से मतलब घर गए थे। टिकट भी लगती है अगर आप देख ही सकते हैं, 5 रुपए शुल्क। तो ये हर्ष का फेवरेट काला खट्टा आ गया, तो पोहा का खसखस फ्लेवर आ गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा केलवे फोर्ट और अब बस इसे बाय बाय कहने का टाइम आ गया। अब अगर बोईसर आए तो यहाँ पे ट्राई कर। हम बिल्कुल नाले के पास पहुँच गए हैं, वाटर क्रॉसिंग, बाय बाय वाटर क्रॉसिंग। हम तो वहाँ तक पहुँच ही गए। जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 28 अगस्त 2022 और आज हम जा रहे हैं केलवा बीच, क्योंकि हम पिछली बार भी जाने वाले थे पिछले महीने पर जा नहीं पाए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, हम थोड़े आलस से मतलब घर गए थे। तो फिर अभी हम बस निकल पड़े हैं घर से, टाइम हो रहा है 3 और अभी हम रेलवे स्टेशन पर ही हैं, आपको दिख ही रहा होगा पीछे रेलवे स्टेशन बोईसर। और अब बस हम कुछ ही देर में यहाँ से ट्रेन लेकर केलवा। चलो फिर मिलते हैं आपको ट्रेन में। ओके तो दोस्तों अभी हम केलवे रोड के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा पूरे 4 और हमारी ट्रेन कितने मिनट लेट हो गई थी, 21 पे थी लगभग, 40 पे, हाँ 20 मिनट लेट हो गई थी, पर चलो कोई बात नहीं, टाइम पर आ गए आराम से। यहाँ से 9 किलोमीटर ऑटो करेंगे और जाएंगे। और ये वाला स्टेशन थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, खैर बोईसर से तो सारे ही अच्छे हैं। चलिए अब ढानू भी अच्छा, हाँ ढानू तो खैर काफ़ी अच्छा था। चलिए अब आपको रास्ते में मिलते हैं। इधर तो दोस्तों अभी हम केलवा बीच के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टिकट भी लगती है अगर आप देख ही सकते हैं, 5 रुपये शुल्क है। तो अर्श ने अभी 5 रुपये अदा करे हैं अपने और मेरे 10 रुपये। अब मुझे लग रहा है ये अच्छी है, आपने देखा होगा हम ढानू बीच गए थे और इसके बारे में भी काफ़ी सुना था अच्छी है, पर बिल्कुल पसंद नहीं आई, घटिया बीच, गिरी हुई बीच, बीच के नाम पे किनारा था, नाला लगा रहा था और क्या, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बस ये हमारी उम्मीदों पर खड़ी उतरे, हाँ खड़ा उतरे, खैर वो तो उतरे गए, जानते हैं किसने कौन ऐसे बोलता है, हाँ कमेंट करते, उसने मसूरी भी बोला, हाँ और वो हमारा दोस्त है और हमारे ब्लॉग्स में आ चुका है भाई। हाँ तो बस अब भाई साहब बहुत अच्छी लग रही है, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आ गई दी केलवा बीच, ये मतलब बहुत बढ़िया, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं चिंचनी बीच से भी अच्छी है। ये रहा हमारा अर्श, काफ़ी मतलब ऐसा कह सकते हैं ज़्यादा गहरी नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक लहरें आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो अभी हम इसके अंदर नहाएंगे वहाएंगे भी। आप क्या कहना चाहेंगे कि बीच कैसी है? काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक की, यहाँ की शायद सबसे अच्छी बीच है, शायद यहाँ की सबसे अच्छी बीच है बोईसर के पास। हाँ चिंचनी से भी अच्छी है ना ये, चिंचनी तो ओके है, कुछ खास नहीं, काफ़ी बड़ा है। हाँ ये ज़्यादा अच्छी है। हाँ और यहाँ पर आप जैसे वेगाटोर बीच में थे, सॉरी अंजना बीच में, पत्थर यहाँ पर भी हैं वो सामने आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये जो हैं दिख रहे हैं, ये पत्थर भी हैं, मतलब बढ़िया है बीच। अभी हम अंदर नहाएंगे और गोले वोले तो हमेशा खाते ही हैं, यहाँ पर भी खाएंगे तो आप भी इंजॉय करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़े देर सीन के साथ। 4 hours later तो दोस्तों जैसे कि आपको हमारे बालों को देखकर पता लग ही गया होगा, अभी हम नहाकर वापस आ गए हैं, टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास और अभी हम गोला खाने जा रहे हैं जैसे कि हमने आपको वादा किया था। और उसके बाद यहाँ पर एक केलवा फोर्ट भी है, वो भी देखेंगे, छोटा सा ही फोर्ट है यहाँ से दिख रहा है, 10-15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, उसे देखकर भी आएंगे, वहाँ से भी आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो यहाँ की फेमस साइज गोला फ्लेवर, यहाँ से हम बैठने जा रहे हैं और ये हम यहाँ बैठ कर, तो ये अर्श का फेवरेट काला खट्टा आ ही गया, अर्श हमेशा काला खट्टा ही खाता है, तो अर्श कुछ बोलेगा, बस खसखस फ्लेवर आ गया, बहुत टेस्टी है खसखस। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल भी खेल रहे हैं और वो हम रही सामने हमारी मंजिल, अब तो शायद आपको दिख गई होगी, जो उजड़ा सा किला है यही है केलवे फोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम कदमों के निशान बनाते हुए जा रहे हैं, जैसे देखिए यार कदमों के निशान बनाते हुए जा रहे हैं, यहाँ की मिट्टी बहुत पोली है, सामने हमारी मंजिल हमारा केलवा किला। तो
दोस्तों ये रहा सामने केलवा फोर्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा केलवे फोर्ट और अब बस इसे बाय बाय कहने का टाइम आ गया और साथ ही साथ बीच को भी बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो बस 360 व्यू के साथ बाय बाय करते हैं। हर्ष बाय बोलो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:30। हाँ और अब हमें इसे बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। हमारा लास्ट बीच डे है। अब इसके कुछ दिनों बाद ही हम अपने घर जाएंगे। जाएंगे हर्ष भी अपने घर और मैं भी अपने घर। और बस हमारा यही था सफ़र इंटर्नशिप्स का। ये इंटर्नशिप का शायद आखिरी हमारा आउटिंग था। हाँ, और संडे भी आखिरी था। अब बस आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। अभी हम डिनर करने भी जाएंगे, उसका भी आपको दिखाएंगे। वहाँ का एक बहुत ही अच्छा है। वहाँ का मतलब हमें यहाँ का सबसे बेस्ट वही लगा, फास्ट फूड के सबसे अच्छा वही। हाँ पर वो बस देर लगाता है यार, वो साथ के साथ बता देंगे। चलिए यहाँ को बाय करते हैं। यहाँ के 360 व्यू के साथ दे या ना दे देते हैं। चलो बाय बाय केलवा बीच। तो ये रही हमारी केलवा बीच। मैं यहाँ की इस एरिया की सबसे बेस्ट बीच कहूँगा इसे। हम जो देख सकते हैं सनसेट का सीन काफ़ी अच्छा है। हाँ और यहाँ ये चिंचनी नंदगांव और ख़ासकर ढानून सबसे बहुत अच्छी बीच है। चिंचनी अच्छी है पर ये सबसे अच्छी है। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ये खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से हमने गोला खाया था। इनकी डेथ हो गई है। अभी हमने यहाँ का खाना खा लिया। हमने दिल्ली तड़का में खाना खाया था, काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर बोईसर आए तो यहाँ पे ट्राई करें। हाँ ये SK चाइनीज़ के बगल में ही है। खैर अगर वो ढूंढ लेंगे तो ये भी ढूंढ ही लेंगे। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, लगा ही होगा। खैर तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। और मैं यही कहना नहीं चले। ओके जय हिंद जय भारत।